हेलो एंड वेलकम बैक टू द गेम ऑन। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। हम सभी को पता है कि T20 वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है। टीम इंडिया ने 11 साल के बाद कोई आरसीसी ट्रॉफी उठाई है और ये बहुत लंबा इंतजार होता है, जबकि 17 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो ये सारी चीजें चलिए हम थोड़ा सा परे रखते हैं अब और बात करते हैं रिटायरमेंट पे, जो कि लिया है रविंद्र जडेजा ने, विराट कोहली ने, रोहित शर्मा ने। सडनली तीनों ने जैसे ही वर्ल्ड कप जीता अपनी अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है T20 क्रिकेट से। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि सडनली ये रिटायरमेंट क्यों आई, और वो भी तब जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुकी थी। क्या ये कुछ देर और बाद आ सकती थी, क्योंकि जब टीम इंडिया हारती तो जाहिर सी बात है बड़े सवाल खड़े होते, क्योंकि जब टीम इंडिया 2022 का T20 वर्ल्ड कप हारी थी तभी ये सवाल उठे थे कि क्या अब रिटायरमेंट अनाउंस कर देनी चाहिए इन लोगों को। लेकिन अब ये T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी, वो भी रोहित की कप्तानी में, फिर सडनली अनाउंस करना, तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर अनाउंस क्यों किया रिटायरमेंट इन्होंने। तो साफ तौर पर क्या इसका रीजन गंभीर है? जी हाँ, गौतम गंभीर। हम सभी को पता है कि जिम्बाब्वे वाला टूर जैसे ही खत्म होगा टीम इंडिया नेक्स्ट टूर पे जाएगी, जो कि श्रीलंका का है। तीन ओडीआई, तीन T20 मैचेस खेले जाएंगे। और गौतम गंभीर ने साफ तौर पर कोच बनने से पहले, हेड कोच बनने से पहले BCCI के सामने साफ तौर पर 4-5 शर्तें रखी थी। उनमें से एक शर्त ये थी कि वो सीनियर प्लेयर्स को T20 में नहीं चाहते हैं। जी हाँ, उनका साफ तौर पर मानना था रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, इन तीनों ही खिलाड़ियों को वो आगे T20 क्रिकेट में इन फ्यूचर नहीं देखते हैं। तो क्या वो रीजन था कि इन तीनों खिलाड़ियों ने खुद ही मन बनाया कि रिटायरमेंट अनाउंस कर दी जाए, और एक बेहतरीन मौका भी था कि वर्ल्ड कप जीते हैं, अपनी कैप्टनसी में जीते हैं, और विराट कोहली साफ तौर पर उन्होंने जो बेहतरीन पारी खेली, रोहित शर्मा कैप्टन थे, जडेजा की तो आप मान सकते हो कि परफॉर्मेंस थी नहीं T20 में। तो क्या वो ये भी एक रीजन था कि गौतम गंभीर का वो शर्त रखना, फिर सडनली T20 वर्ल्ड कप जीतना और इनका रिटायरमेंट ले लेना, क्योंकि गौतम गंभीर नहीं चाहते थे कि ये तीनों ही T20 में खेले, और उसके बाद अगर फिर BCCI और गौतम गंभीर के बीच में क्लैश होते तो फिर टीम का ही लॉस होता। तो ये सारी की सारी चीजें गुत्थम है। हालांकि बहुत ज्यादा इन पर चर्चा करने का कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शायद इस वजह से किया होगा, क्योंकि वाकई में अगर आप देखो तो 2022 का वर्ल्ड कप था तभी ये बातें चल रही थी कि ये T20 को बाय बाय कह देंगे रोहित और विराट। हालांकि वहां पर नहीं लिया, रोहित के मन में टीस थे कि एक वर्ल्ड कप जीतना है T20 का, वो यहाँ पर आकर उन्होंने जीता, और जैसे वो पूरा पूरा कर लिया वो अपने आप चले गए। और विराट कोहली का भी यही था यार, विराट कोहली तो T20 क्रिकेट से मतलब जिस तरह से दूर रहे थे उस वर्ल्ड कप के बाद से ही, वो तो सडनली चीजें मतलब लोगों की फॉर्म खराब हुई, कोई कैप्टन नहीं था तो रोहित ने कैप्टन किया, तो रोहित के बाद विराट भी आए, तो ये सारी की सारी चीजें हुई, इसी वजह से इन्होंने रिटायरमेंट लिया। हाँ, जडेजा का आप मानोगे उनकी तो फॉर्म की वजह से नहीं, क्योंकि T20 में वो फॉर्म उनकी दिखी ही नहीं कभी, उस तरह से प्रदर्शन कभी रहा ही नहीं। तो ये बेसिकली रीजन है। गौतम गंभीर को मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा रीजन होंगे इनकी रिटायरमेंट के पीछे। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या गौतम गंभीर ही वो रीजन है या फिर वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में और T20 क्रिकेट को ये बाय बाय कहना चाहिए, इसीलिए बाय बाय कहा? जो भी आपको लगता है जल्दी कमेंट।